एमसीक्यू मैराथन ऑफ पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट चैप्टर दैट इज पावर शेयर क्लास 10 टर्म 1 राइट लेट्स गेट स्टार्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोशल ग्रुप इन श्रीलंका. कौन सा मेजर सोशल ग्रुप श्रीलंका का नहीं था. ठीक है अब इसमें क्या पूछा है. ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए सिल्हा स्पीकर्स ये तो थे. ऑप्शन देखिए बी श्रीलंका तमिल्स ये भी थे वहां पे है ना देखा था ना सिल्हा स्पीकर 74%. ठीक है नेक्स्ट देखिए श्रीलंकन तमिल्स 18% 13.5% रेशियो था 5% इंडियन तमिल्स से 13% श्रीलंकन तमिल से एंग्लो इंडियंस नहीं थे वहां पे. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी. तो ये ध्यान रखिएगा नॉट पूछा है. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर क्लास ग्रुप ऑफ श्रीलंका. कौन सा मेजर क्लास ग्रुप था श्रीलंका का. ऑप्शन ए देखिए क्रिश्चियन एंड तमिल नहीं ये नहीं है मेजर क्लास ग्रुप्स में ये नहीं है. ऑप्शन बी देखिए बुद्धिस्ट एंड हिंदू हिंदू तो थे ही नहीं. ठीक है तो हिंदू ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा. ऑप्शन सी देखिए सिंहला एंड तमिल गैस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि मेजोरिटी में यही लोग वहां पे थे सिंहला एंड तमिल. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये पावर शेयरिंग में से है और आपको अच्छे से पावर शेयरिंग में पूरा पढ़ना है. कितने परसेंट डच थे ये आपको पता होना चाहिए 59% डच थे. ठीक है बेल्जियम बेल्जियम में. ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मॉडर्न डेमोक्रेसी इज मेंटेन चेक एंड बैलेंस सिस्टम. मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या मेंटेन करती है चेक एंड बैलेंस सिस्टम. तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल अच्छे से सुनिएगा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. ठीक है ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल मीन्स लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ऑप्शन ए देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज. ठीक है तो हॉरिजॉन्टल में ये तो आएगा नहीं. ऑप्शन बी देखिए लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. हाँ करेक्ट ऑप्शन यही होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में क्या होता है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है ऑप्शन सी देखिए अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड ऑप्शन डी देखिए अमंग डिफरेंट प्रेशर एंड अमंग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स. ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी दैट इज लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. नेक्स्ट देखिए विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंका. कौन सी लैंग्वेज बोलते थे वहां पे मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंकन. ऑप्शन ए तमिल नहीं क्योंकि तमिल तो खुद ही 18% है. ऑप्शन बी सिंहला यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है सो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टडी द फॉलोइंग कैरिकेचर एंड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है. कैरिकेचर को आपको स्टडी करना है और क्वेश्चन को आंसर करना है. आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. सो ऑप्शन ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स. यस दिस इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द कैरिकेचर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर. क्वेश्चन देखिए व्हेन वाज सिंहला रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका. कब की गई थी आपको सबको पता है 1956 में एक एक्ट पास किया गया था है ना. तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन सी. इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिंहला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका. ठीक है एक एक्ट पास किया था इन्होंने जिसमें 1956 में जिसमें सिंहला को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया. ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टडी द फॉलोइंग कैरिकेचर वाला क्वेश्चन है. वापस से आप कैरिकेचर आपको दिख रहा है पिक्चर में एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ठीक है कैरिकेचर देखना है आपको और अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है क्वेश्चन का. ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाइज दिस कार्टून. ठीक है कौन सा ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाई कर रहा है कार्टून को. ऑप्शन देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम ऑप्शन ए. ऑप्शन बी देखिए अ कार विद टू स्टीयरिंग. ऑप्शन सी देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट. हाँ यही ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कैरिकेचर क्या सिग्निफाई कर रहा है वो कॉलिशन प्रॉब्लम्स ऑफ अ कॉलिशन गवर्नमेंट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल द कंट्री इन विच एवरी वे इट वॉन्ट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी इज. ये तो आपको अच्छे से पता है श्रीलंका वाला केस आपको अच्छे से पढ़ना है. तो ऑप्शन ए देखिए पावर शेयरिंग ऑप्शन बी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन सी देखिए
मेजोरिटेरियनिज्म एंड ऑप्शन डी देखे कम्युनिटी, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. जब मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी पे रूल करती है दैट इज कॉल्ड द मेजोरिटेरियनिज्म. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ये श्रीलंका का केस बताया गया है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इज अनदर नेम फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग. सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस विच ऑफ द फॉलोइंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे. ऑप्शन ए दैट इज पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो ये तो होगा नहीं. ठीक है, चेक एंड बैलेंस नहीं है ये. ऑप्शन बी देखिए वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर, ये भी नहीं होगा. ऑप्शन सी देखिए चेक एंड बैलेंस, एक गलती करेगा तो दूसरा पकड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल डिविजन ऑफ पावर और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्योंकि पावर्स कैसे जा रही है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है पावर्स, जैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बिटवीन पावर विल बी डिवाइडेड इनटू द थ्री ऑर्गन्स दैट इज लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है, सो अगर लेजिस्लेचर मिस्टेक करेगा तो क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव उसको पकड़ेगा, तो यहाँ पे मिस्टेक पॉसिबल ही नहीं. तो दैट इज कॉल्ड द चेक एंड बैलेंस. ठीक है, अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स विच इज द फेडरल डिविजन ऑफ पावर. अब फेडरल डिविजन ऑफ पावर क्या है, पावर्स आर मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, तो गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल, यस दिस इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी हो ही नहीं सकता इसका आंसर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में आता है. हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, यानी कि हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे. अगर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑप्शन होता तो वो करेक्ट हो जाता. ऑप्शन सी देखिए अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, नहीं ये भी नहीं आएगा. पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स, ये भी नहीं आएगा. तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा. ठीक है, क्योंकि पावर को कैसे शेयर किया गया बिटवीन द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. क्लियर टू यू? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेम वन प्रूडेंशियल, नेम वन प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयर. ठीक है, प्रूडेंशियल रीजन बताना है पावर शेयरिंग का. तो प्रूडेंशियल और मॉरल रीजंस आपको बुक में दिए हुए हैं और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप अच्छे से चैप्टर को गो थ्रू कीजिए. एनसीईआरटी से पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, नहीं ये नहीं होगा. ऑप्शन बी देखिए पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, ये भी नहीं होगा. ऑप्शन सी देखिए सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन acquire a stake in the system, ये भी नहीं होगा. एंड ऑप्शन डी देखिए पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. यस दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, पावर शेयरिंग इज गुड वाला जो ऑप्शन है वो आएगा, दैट इज प्रूडेंशियल रीजन. ठीक है, तो एक्यूरेट गेन और लॉसेस करने से पता चलता है दैट इज द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग. ठीक है, देखिए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी वेलोनिया एंड ऑप्शन डी बी से ही याद करेंगे बेल्जियम और बी से ही इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स. देखिए और कोई बी से ऑप्शन ही नहीं, तो बी बी वाला टिक कर देंगे. ठीक है, ब्रुसेल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेल्जियम शेयर्स इट इट्स बॉर्डर विद, ये भी आता है. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑप्शन ए देखिए फ्रांस, ऑप्शन बी देखिए जर्मनी एंड ऑप्शन सी जो है वो है लग्जमबर्ग एंड ऑप्शन डी जो है वो है ऑल ऑफ द अबव. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो ये भी आपका आता है क्वेश्चन और आपको अच्छे से लर्न कर. ठीक है, यहाँ पे नीदरलैंड मिसिंग है, नीदरलैंड भी बॉर्डर शेयर करता है जो इसके साथ बेल्जियम के साथ. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कम्युनिटी गवर्नमेंट सॉल्व्स इश्यूज रिलेटेड टू, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो इश्यूज को सॉल्व करती है रिलेटेड टू वॉट, कल्चर, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, लैंग्वेजिक इश्यूज जो भी होते हैं वो कौन सॉल्व करता है, गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर फेडरलिज्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास एंड टर्म वन एमसीक्यूज मैराथन फ्रॉम ओसवाल सैंपल पेपर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्वेश्चन नंबर वन, व्हेन वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक में दिया गया है, ये यार आपको लर्न करना है. व्हेन वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म, कब फॉर्म हुआ था. देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन सी देखिए 1963, ऑप्शन बी सॉरी 1963, ऑप्शन सी 1997 एंड ऑप्शन डी इन 1953. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 1953. ठीक है, 1953 में फॉर्म हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द हेड ऑफ, कौन है हेड ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट, हु इज द हेड ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट.
ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑप्शन ए देखिए सरपंच, ऑप्शन बी वार्ड एंड ऑप्शन सी वार्ड कमिश्नर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी देखिए मुखिया एंड ऑप्शन डी जो है दैट इज मेयर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी दैट इज मेयर. राइट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, टर्म वन के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करिएगा ये क्वेश्चन. ठीक है, पूरे में से पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं हमें. इन विच ईयर अ मेजर स्टेप वाज टेकन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर अ मेजर स्टेप वाज टेकन टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन. कब लिया गया था भैया मेजर स्टेप? डिसेंट्रलाइज कब की गई थी पावर्स? व्हेन पावर्स आर टेकिंग अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स. ठीक है, पावर्स आर मूविंग फ्रॉम हाई टू लोकल. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इन 1992. ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट. ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट स्टेटलेस संभालता है, ये तो सबको पता है कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट स्टेटलेस संभालता है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया. ठीक है, चार ऑप्शन को इवेलुएट कीजिएगा. ऑप्शन बी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट, हाँ ये भी सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या वो करती है, यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट संभालती है, यानी कि वही सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लिस्ट यूनियन लिस्ट देखती है. राइट, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन सी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट देखती है, हाँ दोनों मिलकर कॉन्करेंट लिस्ट देखते हैं, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है दैट इज द फाइनल डिसीजन. एंड ऑप्शन डी देखिए लोकल गवर्नमेंट रेजिडरी पावर्स, तो नहीं, रेजिडरी पावर्स क्या है, जो सब्जेक्ट्स रह गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आफ्टर लिस्टिंग के बाद में आए हैं, उन सब्जेक्ट्स को कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ना कि लोकल गवर्नमेंट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इनकरेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कितनी जल्दी बताइए. ऑप्शन ए 21 लैंग्वेज, ऑप्शन बी 20 लैंग्वेज, ऑप्शन सी 25 लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी 22 लैंग्वेज. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी दैट इज 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. ठीक है, बिसाइड्स हिंदी आएगा तो 21 हो जाएगा. ठीक है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिर आपका एक ऐसे जैसे अपन देख सकते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजिशन. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन के लिए वो एग्जाम दे रहा है. ठीक है, हैज टू ऑप्ट फॉर विच लैंग्वेज, तो वो कौन से लैंग्वेज के लिए अप्लाई करेगा, ऑप्ट करेगा. ठीक है, ऑप्शन ए देखिए हिंदी, ऑप्शन बी देखिए इंग्लिश, जरूरी नहीं है हिंदी और इंग्लिश इसको आती. ठीक है, ऑप्शन बी देखिए बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, नहीं ये भी नहीं. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ठीक है, एनी ऑफ द 21 लैंग्वेजेस, 22 विद हिंदी है. ठीक है, एनी वन ऑफ द 21 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. So that is the correct answer. Correct answer is option D. ठीक है, एट शेड्यूल और शेड्यूल लैंग्वेज. ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से लर्न करना है. अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री. पूरी कंट्री को कौन चलाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है पूरी कंट्री के लिए? क्या स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है पूरी कंट्री के लिए? नहीं. तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसमें? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री, फॉर द एंटायर कंट्री. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरी देखेगी ना नेशन को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर कंट्री. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ठीक है, लोकल गवर्नमेंट लोकल बॉडीज को, लोकल एरियाज को देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को देखेगी, और पूरी कंट्री को कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आए भाई, कौन सा स्टेट है जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है? जम्मू एंड कश्मीर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी दैट इज जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, तो और हमें देखने की जरूरत ही नहीं है. ऑप्शन ए देखिए उत्तर प्रदेश हो नहीं सकता है, आंध्र प्रदेश हो नहीं सकता है, एंड ऑप्शन डी जो है वो केरला हो नहीं सकता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी दैट इज जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट, इंडियंस who are not permanent residents, वो इंडियंस जो कि permanent residents नहीं है, or that cannot buy land or house here. कहाँ पे नहीं खरीद सकता है? Again, the answer is जम्मू एंड कश्मीर. अगर आप वहाँ के permanent resident नहीं है तो आप वहाँ पे जाके land और house नहीं buy कर सकते. तो correct option is option C देखिए, जम्मू एंड कश्मीर. Again, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू एंड कश्मीर, और कहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट्स जो हैं वो ही लैंड, मतलब जो परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं है वो लैंड बाय नहीं कर सकते हैं या फिर हाउस बाय नहीं कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर. सो इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेजिडरी सब्जेक्ट्स. किसके पास है पावर? अभी मैंने आपको बताया था रेजिडरी सब्जेक्ट्स जो थे, जो सब्जेक्ट्स बच गए आफ्टर लिस्टिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो सब्जेक्ट जो है वो कौन सा मानता है? जैसे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज द रेजिडरी सब्जेक्ट. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेट करती है
वो लॉज बनाती है रिलेटेड टू रेगुलरी सब्जेक्ट्स. तो आपको और देखने की जरूरत नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ठीक है, आपको अच्छे से लर्न हुआ, आपको अच्छे से पता चला. ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. इफ यू लाइक माय कंटेंट देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू रिसीव मोर अपडेट्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए, वो मोटिवेट हो पाए. और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टर्म वन एग्जाम्स. और आप ये सारे क्वेश्चंस करके जाइए, डेफिनेटली आप 40 में से 40 स्कोर करेंगे. और आप इसी तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि मैं मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और वीडियोस लाती रहूं. अगर आपको रीजन और सेशन वाले भी क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, उस वाले से चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं. तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी काफी हेल्प मिलेगी टर्म वन के लिए, क्योंकि मैंने हर चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस लिए हैं. और चैप्टर एक्सप्लेनेशन लिंक और जो इंडिविजुअल मैंने वीडियोस बनाए एमसीक्यूज के ताकि आपको और भी एमसीक्यूज मिले, उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूं. ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड आई नीड योर सपोर्ट. ठीक है, मेरे को अपना चैनल ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए. आप ही सुपर पावर है तो मुझे क्या कर सकते हैं, आगे तक ले जा सकते हैं ताकि मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ. Thank you for watching.